नमस्कार किसान साथियों, हेलो किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको LT ऑटो स्विच के कनेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको खेती से संबंधित जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, जो दूसरे कंपनी के ऑटो स्विच आते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को बार बार ऑटो स्विच बदलना पड़ता है। लेकिन LT के ऑटो स्विच एक बहुत ही अच्छा कंपनी का ऑटो स्विच है, जो एक बार लगा देने पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटो स्विच लगभग मेरा 1.5 साल का हो गया है। तो किसान साथियों, दूसरे ऑटो स्विच में 7 वायर होते हैं, तो मैं आज आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो किसान साथियों, दूसरे कंपनी के ऑटो स्विच में 7 वायर होते हैं, तो किसान साथियों इस LT ऑटो स्विच में केवल 6 वायर होते हैं, जिससे किसान भाइयों को कनेक्शन की समस्याएं आती हैं। तो मैं आज आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो किसान साथियों, ये जो स्टार्टर देख रहे हैं या मेरा ऑयल स्टार्टर है, तो किसान साथियों ये वाला वायर मेरा जो मेरा पंप है मोटर, उस वाला वायर है, और यहाँ ए वाला वायर जो मेरा खंबे से मेल लाइन आया है उस वाला वायर है। तो किसान साथियों, तो इसको हमें कनेक्शन कैसे करना है? तो किसान साथियों, इसमें 6 वायर होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ग्रे। तो किसान साथियों, पहले हमें रेड, येलो, ब्लू को ले लेना है, तीनों को। तो तीनों वायर को हमारे जो मेन लाइन होता है उसमें L1, L2, L3 इसमें कनेक्शन कर देना है, जो हमारी खंभे से लाइन आया हुआ है उसमें इन तीनों को कनेक्ट कर देना है L1, L2, L3 में। अब हमारा बचा ग्रीन, वाइट और ग्रे। तो जो हमारा ग्रीन वाला होता है उसको हमारे जो खंभे से मेन लाइन आया हुआ है L1 उसमें कनेक्ट कर देना है, जो ब्लू है उसमें, और जो हमारा बचा वाइट, तो वाइट को हमारी जो स्टॉप बटन है उसमें जो क्वाइल से इसमें कनेक्शन आया हुआ होता है उसे निकाल देना है, और उसमें हमारी जो वाइट है उसको जोड़ देना है। तो किसान साथियों, अब बचा हमारा ग्रे। तो ग्रे बटन, ग्रे वायर को हमें जो स्टार्ट बटन होती है उसमें जो इस तरफ की होती है उसमें ग्रे को जोड़ देना है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हमारे जो ऑटो स्विच हैं वो सही से कनेक्शन हो जाता है। तो किसान साथियों, अगर आप इस तरह से कनेक्शन करते हैं, अगर आपका जो ऑटो स्विच होता है वो ठीक से लाइट नहीं बता रहे हैं, तो आप जो ए वाला वायर होता है L1 में ब्लू और L2 में रेड, उसको आपस में चेंज कर सकते हैं ताकि आपको ऑटो स्विच चालू हो सके। अगर आपका ऑटो स्विच चालू नहीं होगा तो आपको ऐसा करना है। तो किसान साथियों, आपको कुछ इस प्रकार से इसमें कनेक्शन कर देना है, रेड, येलो, ब्लू को L1, L2, L3 में कर देना है, और जो हमारा ग्रीन होता है उसको L1 में, और जो हमारा व्हाइट होता है उसको स्टॉप बटन में इसमें, और जो ग्रे बचा हुआ है उसको स्टार्ट बटन के इस तरफ। तो किसान साथियों, चलिए हम आपको इसको चालू करके दिखाते हैं। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं मेरा ऑटो का कनेक्शन है वो सही से हो चुका है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं, उठा लिया है। आप देख सकते हैं कि यह ऑटो ठीक से काम कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आपका ऑटो स्विच ठीक से कनेक्शन हुआ है या नहीं, इसके देखने के लिए आपको एक फेस निकाल देना है। अब देखते हैं हम बंद होते हैं कि नहीं। तो देखा
किसान साथियों, अगर यह दो फेस होगा तो यह ऑटो स्विच काम नहीं करेगा, जिससे किसान भाइयों की जो मोटर होता है उसकी जलने की संभावना कम होती है। और हम देखते हैं कि इसको लगा देते हैं तो देखिए आप, इसका लाइट जलने लगा है। और हम निकाल देते हैं तो इसका आप देख सकते हैं लाइट लूब लाभ हो रहे हैं। इसको लगा देते हैं तो देखिए तुरंत ही उठा लिया। और आप इसकी जो उठाने की समय है उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। मेरा तो अभी आधा मिनट है, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी रख सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको खेती से संबंधित जानकारी मिल सके। धन्यवाद।